स्वास्थ्य केंद्र बना सफेद हाथी, भड़े का बीमार स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आता कोई भी डॉक्टर, भगवान के सहारे स्वास्थ्य केंद्र। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कनिका। हमारी खास पेशकश में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है संकट में ग्रामीण सेहत संभालने वाले स्वास्थ्य केंद्र। जी हाँ, स्वास्थ्य केंद्र वो शब्द जिसे सुनकर आपको लगता है कि कोई तो है जो आपको संभाल लेगा। एक उम्मीद जागती है कि स्वास्थ्य केंद्र है तो सब कुछ सही है। इसी उम्मीद के साथ गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए ताकि ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो। ग्रामीणों को कोई परेशानी हो तो उन्हें तुरंत उपचार दिया जा सके। लेकिन ऐसे में क्या हो जब स्वास्थ्य केंद्र खुद ही भगवान भरोसे चल रहे हों? जी हाँ, चौसाना के गांव भड़े का स्वास्थ्य केंद्र खुद की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल में गरीब, जुबा पर विकास, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये ढांचा सरकारी पन्नों में स्वास्थ्य केंद्र है। हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो तस्वीर उल्टी दिखी। अखिलेश सरकार में लाखों की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। विकास की रोशनी की ये खिड़की ऐसा ढकोसला है जहां सिर्फ दावों की मिट्टी पलीत नजर आती है। जनता जिन्हें चुनती है वो वोट लेकर कैसे उन्हें भूल जाते हैं, और हर सरकारी सेवा के नाम पर जनता को सिर्फ और सिर्फ छला जाता है। भड़े के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रति 1,20,000 की आबादी पर सरकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, प्रति 30,000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और प्रति 5,000 आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र, ताकि गरीब जनता छोटी बीमारियों के बड़ा होने से पहले उप स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाकर सही हो सके। योगी सरकार के इस उप स्वास्थ्य केंद्र में जब संवाददाता पहुंचे तो नई कहानी नजर आई। संवाददाता को स्वास्थ्य केंद्र का ढांचा दिखा, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं दिखा, ना नर्स दिखी और ना ही दवाइयां दिखी। यहां पर फैली व्यवस्थाओं को देखकर यही लगता है कि ये सिर्फ एक ढांचा है और कुछ भी नहीं। भड़े गांव के लोगों की सेहत के साथ सरकारी तंत्र जमकर मजाक कर रहा है, क्योंकि उन्हें मामूली सी बीमारी और चोट लगने पर भी अपने गाँव से बाहर उपचार के लिए जाना पड़ता है। गरीबों के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर मजाक हो रहा है। केंद्र में फैली चारों तरफ गंदगी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कितने डॉक्टर आए होंगे और कितने मरीजों का इलाज हुआ होगा। अब आप सोचिए, अगर किसी को चोट लग गई और घाव बड़ा हो गया तो क्या वो गरीब महंगा इलाज कराने में सक्षम होगा? नहीं कराएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा देने वाला सरकारी ढांचा बेहद लचर साबित होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मीटिंग कर सख्त आदेश दिए कि वो जनता की बात सुने और उनकी हर समस्या को प्राथमिकता दे। लेकिन भड़े गांव में स्वास्थ्य केंद्र की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, ये भी देखिए। भड़े गांव में अखिलेश सरकार में बना ये केंद्र आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, लेकिन इसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। लाखों की लागत से बने इस केंद्र का हाल बद से बदतर हो चुका है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने केंद्र की हालत को दुरुस्त करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर भी लगाए, अधिकारियों को पत्र भी लिखे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ ग्रामीणों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, और ग्रामीणों की सेहत से आज तक खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए सीएमएन न्यूज की राय है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर लक्ष्य तय करके ध्यान देने की जरूरत है। जनता से सिर्फ स्वास्थ्य सेवा देने का वादा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति करके उनकी मौजूदगी भी सरकार सुनिश्चित कराए। घोषणा पत्र के जो वादे सरकारें पूरी नहीं कर पाती, उन पर सरकारों से सवाल हो। न्यूज डेस्क, सीएमएन न्यूज। फिलहाल आज के लिए खास पेशकश पे इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।